तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अल्कोहल्स का प्रिपरेशन कैसा कर सकती है, हमने स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के थ्रू हम लोग कैसे बना सकते हैं अल्कोहल, ये हमने देखा था। तो उसके अंदर दो पार्ट देखे थे हमने, एक देखा था प्रिपरेशन फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और जो सेकंड पार्ट देखा था ये हमने देखा था प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हमने पार्ट देखा था। वो दोनों रिएक्शन के अंदर क्या होता था, हम लोग उसमें रिडक्शन रिएक्शन करते थे। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या, वहां पर हम लोग ऐड करते थे रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता था, वहां पर हाइड्रोजन ऐड करता था, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका अल्कोहल फॉर्म होता था। ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन में भी हम लोग क्या करेंगे, बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी यहां पर ऐड होगा, ये किसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये ऐड करेंगे हम लोग यहां पर एक तो एल्डिहाइड या फिर एक तो कीटोन के अंदर। ठीक है, अभी यहां पर उन्होंने सिर्फ सी डबल बॉन्ड मतलब कार्बोनिल ग्रुप दिखा हुआ है, तो उनका मीनिंग यहां पर ये है कि यहां पर आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो या फिर एक तो कीटोन भी ले सकते हो, तो ये दोनों के लिए रिएक्शन एप्लीकेबल है। अगर एल्डिहाइड रहेगा तो ये सिर्फ ऐसा आएगा और कीटोन रहेगा तो सिर्फ इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए कॉमन यहां पर दिखा हुआ है। तो यहां पर आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों भी आ सकता है। इसके अंदर भी हम लोग यहां पर क्या ऐड कर रहे हैं, बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर ऐड कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा रहता है आपका, आर एम जी एक्स, ये क्या होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये जो रिएक्शन परफॉर्म होगा, ये रिएक्शन परफॉर्म होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अभी जब ये दोनों रिएक्ट होगा तभी क्या होगा, यहां पर मुझे एक एडक्ट मिलता है। एडक्ट का मतलब आप बोल सकते हो कि यहां पर आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है कि जिसके ऊपर और एक बार प्रोसेस करके फिर आपको क्या मिलेगा, आपका अल्कोहल मिलेगा। इसका मतलब है ये टू स्टेप रिएक्शन। तो यहां पर कैसा हो जाता है कि आपका जो आर एम जी एक्स वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पर स्प्लिटअप हो जाएगा। ठीक है, तो स्प्लिटअप होने के बाद यहां पर कैसा हो जाएगा, ये जो आर ग्रुप है आपका, ये आर वाला ग्रुप आपका शिफ्ट होगा यहां पर, ये जो आर वाला ग्रुप है ये आपका शिफ्ट होगा, ये कार्बन के यहां पर शिफ्ट होगा यहां पर, और ये जो पूरा का पूरा एमजीएक्स ग्रुप है ये पूरा शिफ्ट होगा आपका यहां पर। तो आफ्टर शिफ्टिंग यहां पर कैसा हो जाएगा फिर आपका, ये आपका सी डबल बॉन्ड हो, ये ऐसा स्ट्रक्चर था पहले, ये आर कहां पर आके जुड़ गया आपका कार्बन को, और जो एमजीएक्स ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, उसने ऑक्सीजन को रिप्लेस किया, तो वो क्या ऊपर आ जाएगा आपका एमजी। लेकिन यहां पर बॉन्ड्स कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच, पांच बॉन्ड्स अभी कार्बन के पास हो सकते हैं। कार्बन कौन सा एलिमेंट है, टेट्रावेलेंट है ना, मतलब क्या उसमें चार बॉन्ड्स हो सकते हैं, इसलिए क्या होगा उसमें डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हट जाएगा। तो ये जो मुझे प्रोडक्ट मिला ये क्या रहता है आपका, दैट इज नोन एज एडक्ट। लेकिन मुझे ये एडक्ट चाहिए था या अल्कोहल चाहिए था, अल्कोहल। तो यहां पर सी तो प्रेजेंट है ऑलरेडी, मुझे क्या चाहिए था अल्कोहल के लिए, सी और ओएच का जोड़ी चाहिए था ना, तभी जाके मेरा क्या फॉर्म होता है, वहां पर अल्कोहल फॉर्म होता है। तो मुझे यहां पर OH मॉलिक्यूल पूरा चाहिए कि ऊपर MgX है, तो मुझे ये MgX को हटा के वहां पर क्या जोड़ना पड़ेगा, OH। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग करेंगे हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या, वॉटर की मदद से, वॉटर मॉलिक्यूल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अगर आप वॉटर का हेल्प ले रहे हो तो दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि आपका जो वाटर है ये वाटर कैसे स्प्लिटअप होगा, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो इसका स्प्लिटअप होने के बाद कैसा बनेगा फिर आपका, ये जो OH माइनस वाला आयन है वो कहां पर आगे फिट होगा, MgX, तो ये कैसे बनेगा फिर आपका R, और यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा OH। तो C और OH जुड़ गया मतलब ये क्या हो गया आपका अल्कोहल हो गया। तो आपको यहां पर क्या मिल गया, अल्कोहल प्लस यहां पर अभी क्या क्या बच गया, ये MgX बच गया और ये आपका H प्लस आयन भी बच गया। ठीक है, तो ये जो सारा है ये अलग से बनेगा, तो ये MgX जो रहेगा ये अलग से बाहर निकलेगा, और क्या बचा था आपका, ये H मॉलिक्यूल बना था, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पीछे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉरी यहां पर ये वो को लिखा है ना,
इसको रिप्लेस नहीं किया, ठीक है। तो ये ओ एम जे ऑक्सीजन तो लिखा है ना ये वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ ऑलरेडी था, बस मुझे क्या करना पड़ेगा, एच प्लस यहाँ पर आके जुड़ जाएगा तो ओ एच हो गया, और आपका क्या हो जाएगा ये एच की जगह पर सिर्फ क्या आ गया आपका, तो इस तरीके से क्या हो गया आपका ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से मुझे क्या मिल गया, मेरा अल्कोहल मिल गया, ठीक है। तो ये होता है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग अल्कोहल कैसे फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने प्रीवियस रिएक्शंस के अंदर देखा था कि रिडक्शन रिएक्शन के अंदर अगर एल्डिहाइड यूज करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता था, कीटोन यूज करेगा तो क्या मिलता था, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता था। वैसे यहां पर आपको बाजू में चार्ट दिया, देखो ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो ग्रीन कलर के चार्ट में क्या दिया हुआ है कि अगर मैंने फॉर्मल्डिहाइड यूज किया, फॉर्मल्डिहाइड का मतलब क्या रहता है, HCHO, अगर मैंने फॉर्मल्डिहाइड यूज किया यहां पर ये वाले जगह पर, तो मुझे जो अल्कोहल मिलेगा ये कौन सा वाला मिलेगा, मुझे मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैंने बाकी कोई भी एल्डिहाइड यूज किया जिसमें दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन आता है, फॉर्मल्डिहाइड का मतलब है जिसमें सिर्फ एक कार्बन आता है, दैट इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड। इसके आगे वाले जितने भी रहेंगे सारे क्या रहेंगे, एल्डिहाइड्स रहेंगे। तो अगर मैंने नॉर्मल कोई भी एल्डिहाइड अगर यूज किया, ठीक है, RCHO, यहां पर कितने भी कार्बन आ सकते हैं, तो वो वहां पर कौन सा अल्कोहल मिलेगा मुझे, यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल। एंड अगर मैंने कीटोन यूज किया, दैट इज C डबल बॉन्ड O, तो मुझे जो अल्कोहल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन थोड़ा सा अलग, रिडक्शन में उल्टा था, क्या था, एल्डिहाइड यूज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता था, कीटोन यूज करेंगे तो सेकेंडरी मिलता, टर्शियरी वाला ऑप्शन नहीं था वहां पर, ठीक है। यहाँ पर एल्डिहाइड में दो कैटेगरी है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड यूज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, दो तीन चार पांच छह कार्बन वाला एल्डिहाइड यूज करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और अगर कीटोन यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं, क्लियर है रिएक्शन। नेक्स्ट अभी हमारा टॉपिक दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो अभी पिछले इसमें हमने देखा था कि अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हमने देखा था। नेक्स्ट अभी हमें देखना दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, कि ये फिनॉल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला फर्स्ट मेथड है हमारा, दैट इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, दैट इज उसको दूसरा नाम है आपका डाउ प्रोसेस। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो क्लोरोबेंजीन है सबसे पहले हम लोग लेंगे हमारा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कैसा रहेगा, बेंजीन और उसके ऊपर आपका क्लोरीन एडेड रहेगा। ये क्लोरोबेंजीन को हम लोग क्या करेंगे, NaOH के साथ हाई हीट पे हीट करेंगे अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। तो कितना टेम्परेचर लिया हुआ है यहाँ पर, दैट इज 623 केल्विन, एंड प्रेशर कितना लिया हुआ है आपका 150 एटीएम प्रेशर, ठीक है। तो इसको इतना प्रेशर पे एंड हीट पे फ्यूज करेंगे NaOH के साथ, तो आफ्टर रिएक्शन वहां पर क्या हो जाएगा, फिर आपका ये जो एनए मॉलिक्यूल है वहां का, ये एनए मॉलिक्यूल शिफ्ट होके वहां पर आ जाएगा, शिफ्ट होके, ठीक है। तो ये NaO वहां पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, ओ एन ए, दैट इज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा सोडियम फेनोक्साइड, ठीक है। लेकिन मुझे यहां पर क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऊपर ओ एच, तभी मेरा बेंजीन अपना फिनॉल बनेगा। यहां पर ओ एन ए ऑलरेडी है तो मुझे क्या चाहिए, यहां पर बस एच आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अगेन हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस आता है, H प्लस आयन यहाँ पर आके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा फिर ये, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बन गया हमारा फिनॉल, ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। जो सेकेंड मेथड है हमारा, सेकेंड मेथड है हमारा, दैट इज फ्रॉम क्यूमिन। अभी ये जो क्यूमिन वाला जो रिएक्शन है ये बहुत जनरली यूज होता है, ठीक है। तो वो क्यों यूज होता है समझ में आ जाता है। तो इसमें क्या, सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यूमिन लेंगे, ठीक है। और ये जो आपका क्यूमिन रहेगा, ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे एयर ऑक्सीडेशन। अब ये एयर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या रहता है कि यहां पर हम लोग जो खुली हवा के अंदर का जो ऑक्सीजन रहता है उसको हम लोग इसको एक्सपोज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कोनेप्टेरिनेट, ठीक है। इसके साथ इसके प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसका एयर ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, यहां पर ऑक्सीजन इसके अंदर फ्यूज होने वाला है। अब ये रिएक्शन के बाद कैसा होगा, फिर यहां पर आपको यहां पर मिलेगा ये जो आपका सी एच है, ये सी एच के बीच में क्या होगा, ये दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल फिट हो जाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा फिर, सी एच की जगह पर सी ओ ओ एच
और जो बाकी जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज रहेंगे, CH3 यहाँ पर भी CH3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर क्या करना है अभी, लेकिन मुझे ऊपर की तरफ क्या चाहिए, OH चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट HCl के साथ हीट करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर हीटिंग क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो यहां से भी ब्रेक हो जाएगा, कहां से, यहां से। तो ये जो OH वाला मॉलिक्यूल जो बचा वो यहां पर आके जुड़ेगा, तो ये कैसा होने वाला है फिर आपका, यहां पर आपका जुड़ गया OH, तो ये क्या बन जाएगा, बन गया आपका फिनॉल प्लस। अभी ये जो आपका बचा हुआ प्रोडक्ट है ये CO CH3 CH3, ये सारा अभी अलग से सेपरेटली फॉर्म होगा, तो उसको अलग से लिखते हैं यहां पर क्या क्या है, सी यहां पर है आपका CH3, दो दो सी एस थ्री इसको यहाँ पर, लेकिन ये जो कार्बन है इसके नीचे भी तो एक बॉन्ड था, ठीक है, ऐसा था ना, नीचे एक बॉन्ड ये यहाँ पर और यहाँ पर ही आपका वो मॉलिक्यूल था, लेकिन अभी जो नीचे का जो बॉन्ड था ये वाला, ये बॉन्ड तो भी हट गया ना, क्यों, यहां से वो रिमूव हो गया ना अभी, तो इसका मतलब इसके पास कितने बॉन्ड बच गए, अभी सिर्फ तीन, कौन सा कौन सा, ये दो और ये ऑक्सीजन के साथ वाला, तो नीचे वाला खाली रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, जिससे क्या होगा आपका वो चार का चार बॉन्ड कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या मिल गया, ये मिल गया आपको एसीटोन। अभी ये रिएक्शन का खासियत ये है कि ये वाला जो रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमिन वाला, ये रिएक्शन है आपका कमर्शियल रिएक्शन टू मैन्युफैक्चर फिनॉल, कि आपका फिनॉल मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या होता है, ये वाला रिएक्शन कमर्शियल यूज होता है, मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर जनरली ये वाला रिएक्शन यूज होता है। अभी हमने देखा था कि कमर्शियल रिएक्शन कौन सा बेसिस पे डिसाइड होता है, पहला तो कॉस्ट कम होना चाहिए, कम टाइम कंज्यूम करना चाहिए और कम से कम रॉ मटेरियल लगना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा कुछ लगता ही नहीं है, क्यूमिन लग रहा है, ये तो हवा के अंदर का ऑक्सीजन है, ये आपको कैटेलिस्ट है, रिएक्शन के बाद आपको क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलता है, डाइल्यूटेड से नॉर्मल प्रोडक्ट है, उसके रिएक्ट करके आपको फिनॉल मिल गया। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि फिनॉल के साथ साथ मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, एसीटोन भी मिल रहा है, तो बेसिकली देखने जाएंगे तो ये बाय प्रोडक्ट है, मुझे क्या चाहिए था मेनली फिनॉल, लेकिन ये जो एसीटोन आपका फॉर्म हुआ है यहाँ पर अलग से, ये भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है क्या, नहीं, ये भी आपका यूजफुल केमिकल ही है, मतलब आपको एक रिएक्शन करके दो दो यूजफुल केमिकल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या होता है, ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, एज अ कमर्शियल रिएक्शन इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर दिस इज अ कमर्शियल रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से क्यूमिन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में फिनॉल फॉर्म कर सकते हैं, आपको वहां पर एसीटोन भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपको दैट इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी बेंजीनिक सल्फोनिक एसिड की मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फिनॉल फॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे फॉर्म होता है, आपका बेंजीन और उसके ऊपर रहेगा आपका SO3H, ये हो गया आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ NaOH। अभी ये न्यूट्रलाइजिंग क्यों बोल रहा हूं मैं, ये जो है आपका ये एसिड है और आपका NaOH जो रहता है वो क्या होता है, बेस है ना। तो आपने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है 10th में, ठीक है, 10th का किधर पूछ रहे हो, 11th का याद नहीं है, तो एसिड प्लस बेस, जब ये एसिड और बेस दोनों रिएक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्यूशन, वाह वेरी गुड, ठीक है, बहुत आगे जाएगा। तो एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है आपका, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। तो यहां पर भी देखोगे तो ये एसिड है, ये बेस है, तो इसका मतलब ये कौन सा वाला रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कि जिसके अंदर एसिड और बेस मिलकर क्या फॉर्म होने वाला है आपका, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होने वाला। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा आपका, डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये कैसे क्रिएट होने वाला है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, ये बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा फिर ये SO3 NA, तो यहाँ पर इन शॉर्ट क्या हो गया, ये HNA जो है, ये NA वहां पर चला गया और H आपका यहाँ पर आएगा, ये H और OH मिलके क्या बन गया, वो बाय प्रोडक्ट इसलिए वहां पर दिखाया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, ये सॉल्ट और वाटर भी मिलने वाला है उसके साथ, तो ये क्या हो गया मेरा,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। अब ये जो हमें मिला यहाँ पर, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक दीवार इसके अंदर फिर से एक बार क्या करेंगे हम लोग ऐड, अभी हमारा फिर से एक बार उसको NaOH के साथ फ्यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ उसको NaOH के साथ रिएक्ट किया था, यहाँ पर NaOH के साथ उसको हीट भी करूंगा। कितना टेम्परेचर पे हीट किया हुआ है वहां पर, कितना 573 केल्विन पे इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर हीटिंग यहां पर क्या हो जाएगा, जो हमें फर्स्ट रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट मिला था, ठीक है, वही सेम प्रोडक्ट भी यहां पर मिलेगा हमें, कौन दैट इज सोडियम पेरोक्साइड। नाउ ओ तो है यहां पर, मुझे यहां पर बस क्या जोड़ना है H, तो यहां पर इसमें क्या डालूंगा, उसमें हम लोग HCl उसके अंदर ऐड करेंगे। तो जैसे HCl ऐड करेंगे, HCl क्या करेगा, H+ और Cl- ना, तो ये H+ आयन किसके पास जाएगा, यहां पर, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका OH, बराबर ना, ये O और यहां से आया हुआ H, तो ये क्या बन जाएगा OH, दैट इज आपको मिल गया आपका फिगर। तो इस तरीके से बेंजीन सल्फर गैस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका फिनॉल फॉर्म कर सकते हैं। देन जो फोर्थ वाला मेथड है, दैट इज फ्रॉम एनिलीन, ठीक है। अब ये एनिलीन कैसा रहता है आपका, कि आपका बेंजीन एंड बेंजीन के ऊपर रहता है आपका NH2 ग्रुप, तो ये है आपका एनिलीन, ठीक है। ये एनिलीन के अंदर हम लोग ऐड करेंगे, इसके अंदर हम लोग नाइट्रस एसिड का जो ग्रुप है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। तो वो ग्रुप बेसिकली कैसे फॉर्म होता है आपका, ये जो रहता है ये मिक्सचर रहता है आपका NaNO2 और आपका HCl का मिक्सचर। तो यहां पर भी सेम वैसा ही, कि आफ्टर रिएक्शन ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी यहां पर हमारा जो फिनॉल है, ये फिनॉल मिला हुआ है यहां पर नहीं, मुझे यहां पर क्या मिल गया हमारा, ये डायजोनियम सॉल्ट मिल गया, जो है आपका सोडियम डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहां पर भी क्या करेंगे हम लोग, पिछली बार की तरह इसको हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या हो जाएगा फिर यहां पर, सबसे पहला तो यहां पर क्या होगा, H प्लस और OH माइनस ना, OH माइनस पूरा पूरा यहां पर आ जाएगा, तो ये OH यहां पर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका फिनॉल। देन ये जो N2 था, ये N2 अलग से बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, तो ये भी चला गया। तो क्या कहता, देखो ये वाटर जो था वो कैसे स्प्लिट अप हो गया था, H प्लस और OH माइनस में, उसमें से OH माइनस पूरा पूरा यहां पर आ गया, तो ये फिनॉल बन गया, N2 अलग हो गया, तो ये बन गया, तो क्या क्या बच गया, अभी ये Cl बच गया और ये H बन गया, तो इनका मिलके क्या बनेगा अभी, तो इस तरीके से आपको ये तीन प्रोडक्ट्स आपको मिल गए। और इसी तरीके से मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, हमारा फिनॉल मिल गया बाय यूजिंग एनिलीन। तो ये चार मेथड से आपके, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फिनॉल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर से फर्स्ट एंड सेकेंड जो मेथड था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, डाउ प्रोसेस और सेकेंड वाला आपका कमर्शियल रिएक्शन, क्लियर है। नाउ अभी नेक्स्ट है हमारा, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स एंड एल्कोहल्स। अभी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद रखना, दैट इज अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर वेरी पोलर मॉलिक्यूल्स, द पोलर OH ग्रुप्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या, कि आपके अल्कोहल्स एंड फिनॉल जो रहते हैं ये आपके वेरी हाईली पोलर रहते हैं। ये हाईली पोलर क्यों रहते हैं, बिकॉज उसमें OH मॉलिक्यूल्स है, और ये जो OH मॉलिक्यूल्स रहते हैं पोलर वाले, इसको हेल्ड टुगेदर मतलब इसको साथ में पकड़ के रखना कार्बन करते हैं आपका, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपने 11th में पढ़ा हुआ था स्टेट्स ऑफ मैटर में, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या बोलना है यहाँ पर, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड हैविंग अल्कोहलिक ऑर्डर। कि जो लोअर अल्कोहल्स है, लोअर अल्कोहल्स का मतलब क्या, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन क्या रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है। तो ये जो लोअर वाले अल्कोहल्स रहेंगे वो क्या रहते हैं, कलरलेस रहते हैं। जो आपका सिर्फ प्योर अल्कोहल आता है, स्पिरिट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको कोई कलर होता नहीं है, ठीक है। जो मूवी के अंदर दिखाते हैं ब्राउन कलर में वगैरह, बहुत बार खुद से भी देखा रहेगा, ठीक है। तो ये सारा प्योर अल्कोहल रहता है क्या, नहीं, ठीक है। प्योर अल्कोहल आदमी कंज्यूम ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो प्योर अल्कोहल रहता है वो कलरलेस रहता है। दूसरा टॉक्सिक तो होता ही है, थोड़े फॉर्म में लो या फिर कितना भी फॉर्म में लो,
आदमी का घर जायदाद पूरा डूब जाता है, आदमी भी डूब जाता है उसके अंदर, ठीक है। अभी तक हैबिट नहीं लगा तो अच्छी बात है। और उसका स्मेल भी जो रहता है वो कैसा रहता है, अल्कोहलिक ऑर्डर। अल्कोहलिक ऑर्डर का मतलब क्या, अल्कोहल जैसा स्मेल रहता है, ठीक है। कैसा स्मेल रहता है आपको ही मालूम। नाउ देन जो थर्ड है फिनॉल का भी सिमिलर है, फिनॉल भी कलरलेस रहता है, टॉक्सिक रहता है, और ये लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है उसका, और इसका भी स्मेल कैसा रहता है, फिनॉलिक ऑर्डर रहता है। देन बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है फिनॉल और अल्कोहल का, ये डिपेंडेंट रहता है आपकी मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। इसका मतलब इन शॉर्ट क्या है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे उतना क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा उसका, हाई रहेगा। क्यों, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, इसका मतलब क्या, मॉलिक्यूलर मास भी क्या रहेगा उसका, ज्यादा रहेगा। तो अगर एग्जाम में आपको एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि एक अल्कोहल दिया जिसमें तीन कार्बन है, एक अल्कोहल दिया जिसमें छह कार्बन है, तो जो छह कार्बन उस वाला रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा आपका, बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या रहेगा, हाइयर रहेगा। और जो लास्ट रहेगा वो दिया हुआ आपको कि फिनॉल से जो लोअर अल्कोहल से, लोअर अल्कोहल मतलब क्या, जिसमें कम कार्बन वाला जो अल्कोहल है उसके अंदर क्या रहेगा, पानी के अंदर क्या हो सकता है, वो इजीली डिजोल्व। पानी के अंदर ऐसा कोई भी डिजोल्व हो सकता है जो क्या कर सकता है, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ले, वो पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो ये जो लोअर अल्कोहल एंड फिनॉल जो है उसके अंदर प्रॉपर्टी होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है आपका, पानी के अंदर वो इजीली डिजोल्व हो सकता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बस इतना पांच ही पॉइंट याद रखना, क्लियर है।